दोस्तों पबजी गेम इतना फेमस है कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि पबजी अभी अगर अपडेट रिलीज हो गया तो अगला अपडेट क्या है। हम अपनी करंट अपडेट से ज़्यादा फोकस फ्यूचर अपडेट पे करते हैं। तो चलो आपके एक्साइटमेंट को सेव करने के लिए आज मैं आपके सामने लाया हूँ पबजी के ऐसे अपडेट्स जो आपको अपडेट 11, अपडेट 12, अपडेट 13, अपडेट 14 तक लेके जाएगा और इनमें से 90% कन्फर्म आने वाले हैं, क्योंकि मेरे पे भरोसा करना, भाई ने बहुत रिसर्च किया है और बहुत फाइंड आउट करके लास्ट में हमको ये मिल चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने के लिए और इसमें आपका सपोर्ट हमको चाहिए। प्लीज़ हमें हेल्प कर दो, हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कर दो। और साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलने जा वाला हूँ, अगर आपके पास कोई भी स्पेशल पबजी रिलेटेड वीडियो है, कोई भी फनी क्लिप्स है या भी कोई भी आपके अच्छे मूवमेंट्स है जो आपको लगता है कि आप पब्लिक को दिखाना चाहते हो, तो आप sunnychulbul1991@gmail.com में अपने वीडियोस पोस्ट कर दीजिए। हमारा टीम वो वीडियो रिव्यू करेगा और उन वीडियो को जो उनको अच्छा लगेगा वो सारे वीडियो को कंपाइल करके फैन वीडियो बना के एक वीडियो हम पोस्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चले शुरू करते आज का वीडियो सेशन। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन आपको ट्राई करेगा कि सबसे जल्दी इसे कवर करने की कोशिश करें। तो जैसे आप देख रहे हो अभी 0.11 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और हमको मोस्टली पता है कि 11 पे क्या क्या आने वाले हैं, तो मैं आपको उनके हाईलाइट देने वाला हूँ। तो पहला अपडेट आने वाला 0.11 में वो है मून शाइन मोड, जो वाइकेंडी मैप में आने वाला है, जहाँ पे रात को आपको एक अंधेरे के साथ साथ आसमान में ग्रीन कलर का होराइजन दिखेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो होराइजन्स आपको दिखने वाले ये दिखने में अमेजिंग है। नीचे मेरे वीडियोस में ऑलरेडी वो वीडियो की गेम प्ले है, आप प्लीज़ जाके उसे देख सकते हो। अगला अपडेट जो आने वाला है वो इस जॉम्बी मोड, क्योंकि जॉम्बी मोड अब फिलहाल तो बहुत ट्रेंड में है और मैं भी खेल चुका हूँ, तो आप वो वीडियो को देखिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि जॉम्बी मोड एक गेम चेंजर है पबजी के लिए। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ भी ऐड हुआ है जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, ग्लोबल रेडियो। जी हाँ, ग्लोबल रेडियो ये सिर्फ जॉम्बी मोड के लिए ऐड हुआ है, जहाँ पे अगर आपके आसपास बहुत सारे एनिमीज हैं तो आप ग्लोबल रेडियो में स्विच को दबा के रख के अपने आसपास की टीम को बुला के हेल्प मांग सकते हो। अब मुझे अभी तक नहीं पता कि ये गेम ये कितना सक्सेसफुल होगा गेम पे, क्योंकि मैंने ट्राई किया है लेकिन उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, लेकिन फिर भी देखेंगे। और एक मेजर चेंजेस होने वाला है वो है वाइकेंडी का लूट बैलेंस। तो मैंने वाइकेंडी के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है वाइकेंडी माई ओपिनियंस करके, जिसमें मैंने बताया कि वाइकेंडी का लूट रेशियो का प्रॉब्लम क्या था। लेकिन अभी फिलहाल इस अपडेट से वाइकेंडी का एआर रेशियो, एआर बोले तो एसएल राइफल का रेशियो बढ़ चुका है, तो अभी गेम खेलने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब हम बोरिंग एसएमजीज को ढूंढ ढूंढ के परेशान ना हो। लेकिन गाइस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, SMGs भी गन्स है, तो आपको हर तरह के गन्स के साथ खेलने का अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। आप एक फेवरेट गन को ही ढूंढने के चक्कर में गेम खेलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपडेट पे जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट है 11.5 या फिर 12th अपडेट। ठीक है, ये अपडेट रिलीज़ होने वाला है मेरे हिसाब से एंड ऑफ द मार्च या फिर मिड ऑफ द मार्च के बीच में ये अपडेट रिलीज़ होने वाला है, जहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऑटो जो तुष्काई के नाम से जाना जाता है, स्नो बाइक, तो जो पबजी में फिलहाल स्नो मोबाइल चल रहा है उसको रिप्लेस करके स्नो बाइक बनाएंगे, क्योंकि उसके सिंबल्स भी स्नो बाइक जैसे हैं, G36C गन जो एक्चुअली 11.11 अपडेट में था लेकिन उसे निकाल दिया गया, अभी वो 11.5 या 12th के अपडेट में आने वाला है G36C। और साथ में एक ऐसा भी रूमर फैला है कि डेथ कैम आने के चांसेस हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर ये आया तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जो होने वाला है वो है 12.5 या 13 अपडेट। अब ये अपडेट इतना क्रेज़ क्यों है, क्योंकि ये अपडेट पबजी के एनिवर्सरी में आने वाला है। जी हाँ, पबजी का मार्च में एक साल कंप्लीट होने वाला है और उसी टाइम पे सीज़न 6 भी रिलीज़ होने वाला है और अपडेट 13 होगा, जो मार्च के एंड के टाइम के आसपास होगा। जहाँ तक मुझे आइडिया, मार्च 20-25 के बीच में सीज़न 6 और अपडेट 13 रिलीज़ होने वाला है। और वहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाइसन गन। बाइसन एक SMG है जो 9mm के एमिनेशन पे चलता है, या फिर 0.45, मैं क्लियरली नहीं बोलूँगा लेकिन 9mm ही जहाँ तक मैंने सुना है बाइसन आने वाला है। साथ में स्कॉर्पियन गन आने वाला है। स्कॉर्पियन गन एक पिस्टल है जो P18C के जैसे गन जैसे काम करता है, लेकिन उसका हिट रेट नॉर्मल आपका जो नॉर्मल SMG गन है उसके बराबर है। ट्रेनिंग मोड पे रिवैम्प होने वाला है, ट्रेनिंग मोड में थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है। ये एग्जैक्टली PC के ऊपर ही बेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग मोड में चेंजेस मिलने वाले हैं। फुटप्रिंट्स आने के चांसेस है, जहाँ तक मैंने सोर्सेस से पता किया है, फुटप्रिंट भी न्यू ईयर के
उसमें आने वाला है, तो देखते हैं फुटप्रिंट्स कैसे काम करने वाला है। नेक्स्ट आने वाला बैटल स्टैट्स। अभी बैटल स्टैट्स थोड़ा सा यूनिक है, ये गन के साइड में अपने कितने लोगों को मारा उस गन में लिखा रहता है, लेकिन मोस्टली ये FPP सिचुएशन में काम करता है, क्योंकि TPP में हम गन को उतना देखते नहीं है और हमारे इंडियन प्लेयर्स मेजोरिटी TPP FPP बहुत कम खेलते हैं। और लास्ट जो आने वाला है 13th अपडेट में, वो है कैंटेड साइट। अभी कैंटेड साइट जो आपने ट्रेलर में देखा और अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, कैंटेड साइट आप एक साथ अभी दो दो साइट्स को लगा सकते हो। एक आपका फेवरेट स्कोप होगा, या तो आपका 4x, 2x, 3x या फिर 6x होगा, और साथ में आपका कैंटेड साइट होगा एक रेड डॉट जैसा। वो कम्प्लीटली रेड डॉट भी नहीं है, लेकिन वो रेड डॉट जैसा होगा, तो वो आपको टाइम टू टाइम गेम पे, जैसे अभी हमारा स्विच स्कोप का ऑप्शन रिसेंटली आया था, ये कुछ वैसा रहेगा पबजी के मार्च के अपडेट में। लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है कि ये इसका ऑप्शन कैसे फ़ोन में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे आइकॉन्स हो चुके हैं, तो शायद पबजी वाले इससे कुछ बेहतर प्लान करना कर जाए। ठीक है, अब जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है गाइस, ध्यान से सुनना, ये अपडेट आने वाला है अप्रैल में। जहां तक सोर्सेस से पता चला अप्रैल ही है, 100% श्योर नहीं हो, लेकिन अप्रैल में ही आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। तो पहला होगा इसमें वेनिजिया मैप आने वाला है। वेनिजिया अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज में है, किसी को पता नहीं कि वेनिजिया आने वाला है कि भी नहीं, लेकिन वेनिजिया आएगा। और क्योंकि ये वेनिजिया मोस्टली आइलैंडिक बेस है, मतलब पूरा मैप पानी में घिरा हुआ है, तो इसमें एक स्पेशलिटी है, इसमें कुछ गन्स भी रिलीज होने वाले हैं। एक होने वाला है बेरेटा ARX 160 SL राइफल, जो 5.5 के एम्यूनेशन में चलता है, और ये गन डेफिनेटली स्कारल को ही रिप्लेस करेगा जहाँ तक सोर्सेस से पता चला है। और ये गन ऑसम होने वाला है भाई, फिलहाल तो ऑसम होने वाला है, क्योंकि मैंने इसका रियल लाइफ वीडियो देखा है, तो शायद ये ऑसम होने वाला है। उसके बाद आने वाला बेनेली M4 शॉटगन, जो SKS की तरह होगा, SKS से बेहतरीन होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन उस तरह की है, दिखने में कूल है, मतलब बिल्कुल एक AR जैसा है, लेकिन ये शॉटगन है और ये SKS से कंपेयर पे थोड़ा सा बेटर है। और नेक्स्ट है HK911 अंडरवाटर पिस्टल। अभी ये HK911 SL राइफल भी है, लेकिन इन लोग ने पिस्टल का कॉन्सेप्ट चूज़ किया, जो दिखने में फ्लेयर गन जैसा मोटा है, लेकिन कलर में शायद डार्क होगा, और ये पानी में चलने वाला है 7.62 के एम्यूनेशन में। और जो लास्ट होने वाला वो है C4 एक्सप्लोजिव चार्ज, ये सिर्फ आपको ड्रॉप में मिलेगा, जैसे आपको ड्रॉप में मिलता है AWM और ग्रोजा, तो वैसे ही ये जो C4 एक्सप्लोजिव चार्ज है, ये आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ क्रेट्स में, जहाँ पे ये रोड के बीच में, या फिर आप ये फिलहाल चाइनीज़ वर्जन में तो है, ठीक है, तो आप रोड के बीच में या घरों के डोर के सामने लगाओगे, तो एनिमी जैसे जैसे पास करेगा या गाड़ी पास करेगा तो वो फूट जाएगा। ठीक है, यही थे सारे अपडेट 14 तक, वर्जन 11 से वर्जन 14 में आने वाले, 99% इनमें आने वाले, या कुछ पोस्टपोन भी हो सकते हैं। ठीक है, और मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि भाई प्लीज़, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ चैनल को ग्रो करने के लिए, और मुझे आपका सपोर्ट ही चाहिए, इसलिए ये वीडियोस और ये जो इन्वेस्टिगेशन सब कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग हमारे चैनल में आ गए, हमारे फैमिली को ऐड कर गए ना, तो भाई लोग मज़ा आ जाएगा, बोले तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, गेम्स खेलेंगे साथ में, और भी बहुत कुछ बाकी है इस चैनल में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, अपना हेल्थ का ख्याल रखना, और ये था संडे स्पेशल वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।